नहीं भाई, उसकी जिंदगी में वैसे एक कलेश चल रहा है। चल चल चल। थैंक यू बड़कू, थैंक यू सो मच। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सब अच्छे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। सो टुडे इज 2 जून, टुडे इज माय बर्थडे एंड आई एम 23 इयर्स ओल्ड नाउ एंड 24 इज रनिंग। ना कुछ उम्मीद है मेरे इस बर्थडे के बाद मेरा थोड़ा किस्मत चमके, मैं नौकरी वोकरी लग जाए, मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। और बाकी अभी मैं ऐसे सोई हुई थी, अभी सो कर उठी हुई, यहाँ पे अब तैयार हो गया और जाएगी। मेरे फ्रेंड से बुलाया है मुझे, देखो क्या करते हैं। मम्मी की आज मेरी एनिवर्सरी है, मेरी मम्मी की एनिवर्सरी है आज। मेरी मम्मी 24-25 साल की हो गई। मेरी मम्मी की एनिवर्सरी को 28 साल हो गए। मेरी मम्मी, माई मॉम इज 28 ईयर्स मैरिड। पहले ब्रश रगड़ लूँ। मेरा खोपड़ा फूट गया था, आप लोग को तो दिख ही रहा होगा। मैंने ब्रश कर लिया और अभी मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद मेरी बजट ड्रेस नहीं आई अभी तक, जो मैंने टॉप ली थी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उन टीलर से बात करके अपना ड्रेस मंगवा लूँ, बट उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। हेलो, यहाँ मेरे बच्चे की ड्रेस नहीं आई है, पता नहीं फ़ोन भी नहीं उठा रहा है कोई। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेरे दोस्त लोग पहुँच गए और मैं घर पर बैठी हुई हूँ। पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर आपको। आउटफिट है ही नहीं मेरे पास, कसम से बता रहे, मेरे बर्थडे की ड्रेस ही नहीं है अभी तक। अच्छा, 15-20 मिनट में आ जाओ पे। ठीक, अंकल कॉल कर दीजिएगा, मैं बाहर ही रहूँगी, आप आ जाइएगा तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और ये मेरी ड्रेस। अपने बर्थडे के 2-4 गाने बजाऊंगी। मेरे पापा चाइनीज में क्यों देख रहे हैं? अच्छा, जा रही हूँ नहाने, फैमिली नहाने जा रही हूँ। ड्रेस लेके अच्छा, ठीक है, ये पहना था। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आ गया, अभी मेरा कपड़ा आ गया। मैंने पूछा अंकल से पानी वानी पियेंगे, पर कहते नहीं, मैं जस्ट अभी अभी निकला हूँ डिलीवरी करने के लिए। सबसे पहले डिलीवरी यही थी, तो मैंने मेरा कपड़ा ले लिया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। और मैं नहा के आऊँगी अब। मेरा भाई नहा धो तैयार हो गया है अपने बर्थडे के लिए। फैमिली तैयार हो गई मैं, और मेरा कपड़ा भी आप लोगों ने देखा नहीं, वो मैं वहाँ पे जाकर दिखाऊंगी। बट खुशी ने मुझे एकदम रेडी कर दिया है और अब मैं निकल रही हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। देखते हैं वहाँ पे क्या होने वाला है। तो मम्मी ने बनाया है दाल पूड़ी और खीर, पहले ये खाऊंगी, भोग लगाऊंगी, जाऊंगी मैं। अभी अभी मम्मी को छोड़ा है, हम लोग मंदिर गए थे और अब मैं बस निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। मंदिर वाला मैं शूट ही नहीं कर पाई, कैमरा ही लेके नहीं गई थी मैं, तो अब बस मैं निकल रही हूँ। नहीं भाई, उसकी ज़िंदगी में वैसे एक कलेश चल रहा है। हम लोग अभी आए हैं, कहाँ पे आए हैं? कोई नोर में आया, मैं ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ। अब अभी हम लोग आए हैं कोई नाम ही भूल जा रही हूँ। अभी हम लोग आए हैं कोई नूर में, मैं जन्म में पहली बार आई हूँ और मैं सच में पहली बार बर्थडे मना रही हूँ। बता दीजिए।
और मेरे कुछ दोस्त अभी नहीं आए हैं, वो अभी आएंगे तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अरे इधर देखो भाई, मम्मी तुम चलोगी ना लेने? ठीक है, मैं तैयार हो गई, मतलब मैं ऐसे ही चलूंगी, ठीक है ना? मैं अभी घर आई हूँ, मैंने कपड़े चेंज करे हैं, मैं थोड़ा हल्का कुछ पहनना चाहती थी और अब मैं जा रही मम्मी को लेके उनकी शॉपिंग कराने के लिए। मैं तुमसे कह रही थी मेरा ब्राउन वाला चप्पल वा कहाँ चला गया भाई? ये तैयार हुई हैं आज, इनको इनको आज याद आया है कि इनको एनिवर्सरी पे पहनने के लिए इनके पास कुछ था नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं अब इनका सामान लेने के लिए। हमेशा घटा रहता है कुछ ना कुछ। कल मैं और सुधांशु गए थे तभी इनको याद नहीं आ रहा था कि इनके पास एनिवर्सरी पहनने के लिए कुछ नहीं है। बैठ गए हम लोग, बैठ गए और हम लोग जा रहे हैं इसी के लिए। ठीक बा, बड़का गाड़ी ले लिया ना वाले सर। कौन सा वाला? उतर के दिखा, उतर उतर जाओगी मम्मी, देखो अब चढ़ो, चढ़ो नहीं चढ़ो भाई, चढ़ो 75 गाड़ी में, मतलब चढ़ो तो चढ़ो ना, चढ़ो चढ़ दोगे, चढ़ो पतला है, चढ़ो फैमिली। हम लोग आ गए हैं रेती, मम्मी को हर दूसरा कपड़ा अच्छा लग रहा है देख के। लहंगा पता है 4 से 5 हजार का सिंपल लहंगा है यहाँ पे, मैंने देखा वो आगे भी लहंगे अच्छे अच्छे। रेती आने के बाद हमारा यही काम रहता है, हर दूसरा कपड़ा अच्छा लगता है पर पैसे नहीं रहते। देखो जब मैं पैसे लेके आई थी ना तब ये सभी लहंगा नहीं टांगे थे। सिंपल कुर्ती चाहिए ना, हाँ इधर आओ देख लो ना, ये कितने का है? ये वाली एक्सल है, वो दोनों एक्सल आपको मिल जाएगा, आप पसंद करिए। ठीक है देख, अच्छा लग रहा है, कुछ नए में है, सब चुनरी वाला ही तो है तुम्हारे पास। हाँ बताओ तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है, वो की है वो भी खोल के दिखा देंगे क्या? कौन वो वाला? ये क्या फाइनल प्राइस लग जाएगा इसका? अरे अंकल कुछ तो कम करिए, हम लोग रेती से सारे कपड़े लेते हैं। चप्पल पानी अच्छा जो भी है ये लियो। अच्छा तो फैमिली हम लोगों ने फाइनली ले लिया, मम्मी का सूट काफ़ी जल्दी हो गया है ना, अब बस केक लेके यहाँ से घर जाएंगे हम। मेरा एक बर्थडे केक मैंने यहाँ दिया था बनने को, अब वही लेना और बस घर जाना है। मम्मी को यही सेम कपड़ा ऑनलाइन में 700 का दिलाया था है ना, और वही वो मम्मी को छोड़ दे रहा था। हाँ हमारी खटारा वहाँ पे खड़ी है, 600 बच गए, कह रही है 100 रुपये खा लेंगे। उधर दो चाबी है उसमें, हाँ
तो हम लोग मिलते हैं अब केक वाले शॉप आ गए हम लोग मेरा केक लेने के लिए। केक आया नहीं है, भैया बोल रहे हैं वेट करने का। तो सामान लेके बैठ गई हैं। कल रात से मैं एकदम थक गई पता है। एक तो मैं ढंग से सोई नहीं, फिर सुबह मैं चली गई, फिर तुरंत मैं इनके साथ आ गई और अभी तुरंत केक काटना है। खान कटा है हमारा क्योंकि तुम्हारे भाई ने हेलमेट नहीं पहना था। यही आई है मेरे साथ तो मेरा चलान कटा है फैमिली, नहीं तो मैं चलान नहीं कटा होता। कितना कटा आए थे इनका कपड़ा और केक लेने के लिए। नंबर इंजन नंबर ये सब का हां ये भी पूछता है उसमें लिखा होगा। पापा तो ऐसे चेक किए बिना उसके बिना इन सबके, बस गाड़ी नंबर डाल दिए थे चलान आ गया था। चलान नंबर पता होना चाहिए ना, चलान नंबर डाले होंगे तो व्हाइट का नंबर चेसिस नंबर का। थक गए फैमिली एकदम थक गए, मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। सुबह से गाड़ी चला रही हूँ, सुबह से बाहर हूँ, अपने ही बदले पे पधुआ मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी पर रखे हैं लोग मुझे क्या। एक से जहाँ जाता है खेत वाले का था। चलान 500 का हुआ है, 500 हेलमेट ला के लोग रख दिए होते कैंटीन से। आ गया हमारा केक, एक केक यहाँ पे, ये एक केक है, एक केक भाई लेने गया। अब इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, हमारा चलान कटवा के मन भर गया। मेरा तभी दिल किया था मैं गाड़ी मोड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, रोक के चलान काटा। लग रहा है कुछ आपत्तिजनक हुआ है। हाँ केक ले लिया, अब हम लोग घर की तरफ निकलना है। मेरे अंदर जरा भी शक्ति नहीं बची है किसी भी चीज़ की।